सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आप लोग का सामाजिक अध्ययन विषय है, उसमें आप लोगों को इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है आपके सेकेंड सेमेस्टर में, उसको आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लोग देख लोगे किस तरीके से क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, चूंकि ये पेपर 50 नंबर का होता है तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसकी क्लासेस आप लोगों के लगातार लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इतिहास में क्या क्या पूछता है, इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी देखेंगे, ऐसे ही फिर सिविक्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास विषय में क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना मौर्यकाल, मौर्यकाल के विषय में मेगस्थनीज का भारत वर्णन, मेगस्थनीज के विषय में आप जानते हैं, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, बहुत ही फेमस। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, मौर्यकाल के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रारंभिक जीवन, चंद्रगुप्त की विजय, सम्राट अशोक और अशोक के धर्म का स्वरूप, ये सभी आपको पढ़ना है मौर्य वंश में। मौर्य काल या मौर्य वंश के बाद आता है गुप्त काल, भारतीय इतिहास का गुप्त काल, इसको हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। युग गुप्त काल, स्वर्ण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं समुद्र गुप्त की दिग्विजय, गुप्तकालीन सामाजिक दशा के बारे में हमको गुप्त काल में पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे वर्धन वंश, वर्धन वंश में क्या क्या हमको पढ़ना है, हर्षवर्धन का जीवन परिचय, हर्ष की प्रारंभिक कठिनाइयां, हर्ष का चरित्र और मूल्यांकन, और ह्वेन सांग का भारत वृतांत, यानी कि जितने भी दूत थे जो बाहरी देशों से आकर के हमारे देश में बसे थे और उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की थी, उनके विषय में हमको विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद सामंतवादी या सामंतवाद कालीन भारत के विषय में पढ़ना है हमको, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, मिहिर राज की उपलब्धियां, भोज परमार एक कुशल प्रशासक, पृथ्वीराज की विजय के कारण, राजपूत कालीन संस्कृति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक दशा, शिक्षा एवं साहित्य, इसके बाद कला की उन्नति। इसके बाद दोस्तों हमको पढ़ना है दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश, जैसे कि चालुक्य वंश, पल्लव कालीन कला, चोल वंश, चोल शासन में सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक राष्ट्रकूटों का पतन, किस प्रकार से राष्ट्रकूटों का पतन हुआ था, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 6 में हमको क्या पढ़ना है, ये देखिए, अरब में इस्लाम का उदय तथा भारत में तुर्कों का राज्य, इस्लाम का उदय, इस्लाम के तीन बुनियादी सिद्धांत, मोहम्मद साहब, भारत में इस्लाम धर्म, भारत में तुर्क आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान का तुर्कों से संघर्ष, फिर सल्तनत कालीन भारत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, गुलाम वंश, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तैमूर लंग का आक्रमण, इन सभी के विषय में हमको विस्तार से पढ़ना है। मंगोल एवं चंगेज खां के विषय में भी पढ़ना है, किस तरीके से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और इनके आक्रमणों का क्या प्रभाव हुआ भारत पर। और एक छोटा सा चैप्टर है बहमनी एवं विजयनगर राज्य, विजयनगर राज्य, तुलुव राजवंश, विजयनगर की शासन व्यवस्था और बहमनी राज्य के विषय में भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा बहमनी एवं विजयनगर राज्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन उपलब्धियां, सल्तनत कालीन प्रशासन, सल्तनत काल के प्रारंभ में समाज की स्थिति, सल्तनत काल में साहित्य की स्थिति, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, सूफी मत, आप सभी को पता होगा बहुत सारे सूफी संत हुए जिसमें कबीर दास, रहीम असरस खान, सूरदास और भी बहुत सारे ऐसे रचनाकार हुए थे उस समय, मीरा, जो कि सल्तनत काल के समय के हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति आंदोलन भी चलाए थे। इसके अलावा इनके जो इनका जो भक्ति का प्रभाव था वो काफी हद तक लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, अब यहाँ से भूगोल विषय, भूगोल विषय में हम सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, सौर मंडल, सूर्य का तारा, सूर्य या तारा, पृथ्वी, चंद्रमा, चंद्रमा की कलाएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्राकृतिक शक्तियां, तल संतुलन के कारक के रूप में नदी के कार्य, सागरी लहरों के कार्य और मृदा परिच्छेदिका। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के विषय में हमको पढ़ना है।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्थल मंडल को पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की संरचना, घनत्व, दबाव एवं तापमान की स्थिति पर आधारित प्रमाण, प्राकृतिक तथा प्रत्यक्ष प्रमाण, पृथ्वी की आंतरिक रचना व परतें, धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, धरातल के रूप बदलने वाले कारकों में आंतरिक शक्तियां या प्रक्रियां, सार्वभौमिक या पटल विरूपण शक्तियां, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का विवरण, भूकंप, भूकंपीय तरंगे, भूकंप के कारण, भूकंपीय क्षेत्र, भूकंप की माप, भूकंप के प्रभाव। उसके बाद 15 है, 15वां चैप्टर आपका बाह्य बल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपक्षय के प्रकार और अपरदन चक्र। फिर हम देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल में वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, वायुदाब की पेटियां, वायु तापमान औसत तथा मध्य तापमान की विभिन्न दशाएं, वायुमंडलीय तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वायुमंडल की आर्द्रता। फिर पवन के विषय पढ़ेंगे, पवनों के भाग, मानसूनी पवनों के प्रकार, चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म और विकास, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवातों के प्रकार, प्रति चक्रवात के प्रकार, इन सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद जलमंडल पढ़ेंगे। जलमंडल में लहरें, धाराएं, धाराओं के चलने के कारण, धाराओं का प्रभाव, ज्वार भाटा। अब दोस्तों यहाँ पर भूगोल खत्म होता है। भूगोल के बाद हम देखेंगे हमारा संविधान, संविधान का अर्थ, संविधान के पठन की भूमिका, संविधान का गठन, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना के उद्देश्य एवं विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना का महत्व, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक, यहाँ पर भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व और बाल अधिकार के विषय में हम जानेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए उपभोक्ता जागरूकता के विषय में हमको पढ़ना है। उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता का अधिकार एवं उत्तरदायित्व, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय, उत्तरदायित्व, उपभोक्ता का फोरम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय मानक संस्था के अनुसार। उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता का मतलब आप सभी को पता है कि आप कोई भी सामान बाजार में खरीदने जाते हो तो आप उपभोक्ता ही हो, आप एक कस्टमर हो, तो आप किस तरीके से कोई सामान लेते हो तो उसको आपको एमआरपी रेट पर बेचता है कि कैसे देता है और क्या क्या आपके अधिकार हैं कोई भी सामान कोई अधिक दाम पर ना बेचने पाए, तो इनके विषय में आपको विस्तार से कौन कौन से संविधान में रूल बनाए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, योगदान, विशेषताएं एवं महत्व, कृषि का महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति एवं इसका प्रभाव, हरित क्रांति के प्रमुख तत्व, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, हरित क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति के तत्व, नई कृषि नीति के मुख्य बिंदु, राष्ट्रीय कृषि नीति 2007। इसके बाद आपका 22वां चैप्टर है मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार, मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषाएं, मुद्रा के कार्य, धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा में अंतर, मुद्रा के प्रकार अथवा मुद्रा का वर्गीकरण, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, विधिग्राह मुद्रा, साख मुद्रा, मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, घटिया और बढ़िया मुद्रा से आशय, नियम का स्पष्टीकरण, मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव, स्फीति, विस्फीति, अपस्फीति एवं संघ स्फीति, मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा सम स्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन के उद्देश्य, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, भारत में मौद्रिक नीति, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार में। अब हम लास्ट चैप्टर आपका देखने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है भारत का औद्योगिक विकास। भारत जैसे विकासशील देश के लिए उद्योगों का महत्व, भारत के औद्योगिक विकास की भावी संभावनाएं, लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, लघु उद्योगों की समस्याएं, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991, औद्योगिक नीति 1991 के उद्देश्य, औद्योगिक नीति की विशेषताएं, औद्योगिक नीति 1991 की समीक्षा, औद्योगिक नीति से अभिप्राय। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा आपका सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ना है। टोटल 23 चैप्टर है और 50 नंबर का ये पेपर होता है, आपको पता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जान करके अच्छा लगा होगा कि कितने विषय, कितना आपको पढ़ना है आपके सामाजिक अध्ययन विषय में। दोस्तों हम लोग इतिहास विषय से पढ़ाना आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य काल से। उम्मीद करती हूँ कि मौर्य काल आपको अच्छा लग रहा होगा और मौर्य काल में दोस्तों आप लोगों को सभी चीजें यहाँ पर जितनी जिस तरीके की इसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति थी और धार्मिक स्थिति थी, इन सभी के विषय में हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं आपको और आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों आप लोगों को लगातार हम लोग ऐसे ही सभी वीडियोस को, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को ऐसे ही लगातार आप लोग लेकर के आ रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस का हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दिया है।
जितने भी और सब्जेक्ट हैं उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देते हैं, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं सभी विषयों को। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं और वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से आपको हमारे सभी विषयों के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसके अलावा आपको सभी विषयों की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, यानी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों, आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी प्रिपरेशन करवाएंगे। बस आप लोग लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। दोस्तों, अब आपकी दूसरी क्लास में हम आपको मोर इवेंट्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे, तो लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। ऐसे ही आप लोग लगातार हम ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, बस आप ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।